आपको देख के लग रहा है ना ये किसकी सब्जी है बोल के? ये करेले की ही सब्जी है जो हम अभी बनाने वाले हैं, लेकिन करेले के छिलके की सब्जी है। चलिए इसका प्रोसेस देखते हैं कैसे बनता है। हेलो एवरीवन, चलिए मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सब्जी लेके आई हूँ, वो भी छिलकों की सब्जी है। हम बनाएंगे आज करेलों के छिलकों की सब्जी। चलिए, आप तो करेले के बारे में जानते ही होंगे, वो कितना ही विटामिन वाला चीज़ है। चलिए आज हम उनके छिलके से सब्जी बनाते हैं। आपको अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने छिलके रख दिए थे पहले से करेले, उसके छिलके हैं। इसको धो दी हूँ मैं। हाँ, थोड़ा सा चना डाल लूँगी। ये मैंने कुकर लिया है, कुकर में करेले के छिलके डाल दिए और ये चने की दाल। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको बॉईल करना है। चलिए इसको 10 मिनट तक बॉईल होने देते हैं, दो सीटी आएगा और बंद कर देंगे। देखिए, हमारा कुकर हो गया है, 2 से 3 सीटी हो गया, मैं इसको बंद कर दी हूँ। ये मैंने पैन ले लिया है, इसको गैस ऑन कर दी हूँ, इसको गर्म होने देते हैं। और मैं ये अभी करेले के छिलके की सब्ज़ी बनाने के लिए ये 4 टमाटर ली हूँ, 1 प्याज बड़ा सा। इसमें प्याज डालोगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा पड़ जाता है। और ये 3 मिर्च है, 3 कलियाँ मैं लहसुन की ले ली हूँ। चलिए इसको कट करते हैं। चलिए, हम सब ये टमाटर प्याज कट कर लिए हैं। ये पैन में मैं तेल डाल दी हूँ, मिर्ची थोड़ा सा फ्राई करते हैं, थोड़ा सा लहसुन डालते हैं, उसके बाद प्याज डाल देते हैं। इसको 2 मिनट के लिए ऐसे पकाएंगे, प्याज को एकदम ज़्यादा से ब्राउन नहीं करेंगे, आधा पका ही छोड़ेंगे। देखिए बॉईल हो गया है, अब इसको हम लोग छन्नी में छान लेते हैं। देखिए, चना दाल और ये केले का छिलका है, बॉईल हो गया है। इसमें जो कड़वाहट था वो सब निकल गया है। केले की सब्ज़ी तो वैसे तो फायदेमंद होती ही है, और केला तो शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता ही है, और उसके बीजों से आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती है। चलिए अब उसके छिलके का भी उपयोग ये कर लेते हैं, इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी रहती है। आप भी अपने घर में ये ट्राई कीजिएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा केले में ऐसा कुछ नहीं रहता जिसको हम लोग वेस्ट करें, जिसको हम लोग फेंकें। उसका छिलके से लेकर बीज तक सब काम आते हैं। चलिए, प्याज हो गया, अब हम टमाटर ऐड कर देते हैं इसमें। इसमें टमाटर की मात्रा और प्याज की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रहती है तो और टेस्ट आता है। इसमें 1 चम्मच में नमक डालूंगी, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, ये 1/2 चम्मच से थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर, ये हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, और थोड़ा सा गरम मसाला। आप ये सोच रहे होंगे मैं गरम मसाला इसमें क्यों ऐड कर रही हूँ, इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गरम मसाला हम मसालेदार सब्ज़ी में ही डालेंगे, इसको फ्लेवर के लिए मैंने डाला है। चलिए, इसको हम लोग करीबन 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं ताकि ये पक जाए। देखिए, हमारा टमाटर अच्छे से पक गया है, अब हम लोग सब्जी ऐड कर देते हैं। इतनी ईजी रेसिपी है, देखिए आप अपने घर में ही ये छिलकों को नहीं फेंकेंगे तो इसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारी सब्जियां जिससे छिलके काम आते हैं, आप ये बनाइए, बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। करेला तो शुगर और बीपी में वैसे ही फ़ायदेमंद है, थायराइड में भी इसका उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें बीज नहीं खाने के लिए बोलते हैं, कई लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। चलिए, हम लोग गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ये हमारी बन के तैयार है सब्जी। देखिए, हमारी करेले की सब्जी ये बन के तैयार हो गई है, बहुत अच्छी लग रही है। आपको पता भी नहीं चलेगा ये करेले की सब्जी है, बल्कि बच्चों को करेला बिल्कुल पसंद नहीं होता है,
लेकिन आप ऐसे उसको करेले की सब्जी खिलाएंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि मैं करेले की सब्जी बनाई हूँ यहाँ पे और उनको खिला रही हूँ बोल के। चलिए आप मेरा वीडियो देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। आपको देख के लग रहा है ना ये किसकी सब्जी है बोल के, ये करेले की ही सब्जी है जो हम अभी बनाने वाले हैं, लेकिन करेले के छिलके की सब्जी है। चलिए इसका प्रोसेस देखते हैं कैसे बनता है।